हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्कीम फाइंडिंग और केज फाइंडिंग का कंपेयर देखेंगे, यानी कंपेयर स्कीम फाइंडिंग और केज फाइंडिंग। पर उससे पहले हम देख लेते हैं केज फाइंडिंग क्या होता है। ठीक है, स्कीम फाइंडिंग क्या होता है और केज फाइंडिंग क्या होता है, तो ये स्कीम फाइंडिंग में ही आ जाएगा। ठीक है, तो द टर्म्स ऑफ स्कीम इज समटाइम यूज फॉर केज ऑफ लार्जर साइज विच अकोमोडेट माइन कास्ट, बट वेरी ऑफन इट टर्म्स रिस्ट्रिक्टेड टू लिफ्ट विच डज नॉट एकोमोडेट माइंड कार। ठीक है, यानी जो स्किप होता है वो लार्ज साइज का केज होता है। केज समझते हैं ना, केज मीन्स होता है जैसे लिफ्ट होती है बिल्डिंग में ऊपर नीचे जाने के लिए, वैसे शाफ्ट में वाइंडिंग सिस्टम में लिफ्ट टाइप का जो वो होता है, बॉक्स होता है, लिफ्ट जो होती है उसको बोलते हैं केज। ठीक है, तो केज दो टाइप, यानी दो टाइप से लिफ्ट होती है, एक होता है स्किप तो ठीक है, और एक होता है केज। तो जहाँ पे स्किप होता है उसको स्किप वाइंडिंग बोलते हैं, और जहाँ पर केज होता है वहाँ पर केज वाइंडिंग बोलते हैं। तो स्किप जो है वो केज का ही बड़ा रूप है। तो इसमें कई बार बोलते हैं कि माइन कार्स होती है, यानी टफ्स टाइप से होते हैं। ठीक है, लेकिन कई बार इसमें नहीं होते हैं, कहीं किसी माइंस में होता है किसी माइंस में नहीं होता है। स्किप ट्रेवलिंग इन वर्टिकल प्लेन हैव डिस्चार्ज ओपनिंग एट बॉटम। स्किप जो होता है वर्टिकल प्लेन में ट्रेवल करता है, ऊपर से नीचे जाता है और डिस्चार्ज जो होता है उसमें नीचे साइड में होता है। फॉर अपलोडिंग द मिनरल्स कंटेंस बट स्किप ट्रेवलिंग ऑन रेल्स। ठीक है, अपलोडिंग के लिए जब अपलोडिंग करते हैं ऊपर साइड में, ठीक है, तो ये वाइंडिंग से रोप से रेल में, यानी रेल सेक्शन में भी आ जाता है ऊपर टिल्ट होने के लिए। इंक्लाइन हॉलेज प्लेन आर सो टिल्टेड, यानी इंक्लाइन हॉलेज में भी वर्क कर सकता है टिल्ट होके। ड्यूरिंग ट्रेवल नियर द अपलोडिंग एंड एट देयर कंटेंस आर डिस्चार्ज फ्रॉम टॉप एंड। स्किप इज मूविंग वर्टिकल प्लेन आर समटाइम्स पार्टीशंस फॉर एकोमोडेट मैन एंड अपर हाफ मिनरल्स एट लोअर हाफ। ठीक है, यानी कि जनरली यह मिनरल्स को ट्रेवल के लोड करने के लिए काम आता है, लेकिन कई बार इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है मिनरल्स के लिए और एक होता है मैंस के लिए, ट्रेवल के लिए, यानी आदमी भी वहाँ रह के शिप में ट्रेवल कर सकता है मिनरल्स के साथ में। तो दो पोर्शन इसको कर दिया जाते हैं। अब देखेंगे इसमें कंपेयर, ठीक है, स्किप वाइंडिंग और केज वाइंडिंग का कंपेयर किया गया, उससे आपको स्किप भी क्लियर हो जाएगा और केज भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्किप वाइंडिंग द बेस्ट सूटेड फॉर डीप शाफ्ट वेयर हाई आउटपुट इज डिजायरेबल इन व्यू ऑफ लार्ज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, डीप शाफ्ट में यूज़ होता है स्किप वाइंडिंग। ठीक है, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और ज़्यादा रिकवरी करना रहता है। ठीक है, अर्ली रिटर्न फॉर लार्ज आउटले, यानी जल्दी जल्दी हमें रिटर्न करना है। द रेशियो पे लोड ग्रॉस लोड, ठीक है, लोडेड स्किप इज हाई। ठीक है, यानी रिटर्न जल्दी चाहिए था हमें, पे लोड के साथ साथ ग्रॉस लोड भी हमारा ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, दोनों का रेशियो देखेंगे तो 0.6 है। ठीक है, यानी जितना हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ है उसके बेस पर, उसके अकॉर्डिंग रिकवरी हो रही है कि नहीं है, तो इसका रेशियो निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हाई रेट ऑफ रिकवरी आना चाहिए, 0.6 के आसपास आती है, तो वहाँ पे हम स्किप वाइंडिंग यूज़ करते हैं। इन केस ऑफ स्किप वाइंडिंग बट विथ केज वाइंडिंग ऑफ माइंस कार आर यूज अंडरग्राउंड इज लेस, दे आर नॉट बी रेज टू सरफेस, मोर ओवर सच माइंस कार आर इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ द शाफ्ट और स्किप। स्किप लेंड्स इटसेल्फ टू ऑटोमेटिक लोडिंग अपलोडिंग एंड डेकिंग ऑपरेशन। ठीक है,
जो इसके वाइंडिंग होती है उसमें ये ऑटोमेटिक भी होता है, अपलोडिंग लग ठीक है, लोडिंग अपलोडिंग डेक ऑपरेशन। डेक ऑपरेशन मीन्स है कि अपना प्रॉपर डेक पर आ रहा है कि नहीं इसके, ठीक है। दे आर प्रोवाइडिंग द क्विकर साइकिल ऑफ ऑपरेशन ऑफ वाइंडिंग मिनरल्स। दिस ऑल्सो मीन्स लेस मैन पावर रिक्वायर्ड फॉर स्किप इंस्टॉलेशन, ठीक है। यानी केज वाइंडिंग से कंपेयर करेंगे तो इसमें कम मैन पावर की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत सा काम, मैक्सिमम काम जो है ऑटोमेटिक हो जाता है। ट्रैकलेस माइनिंग इज़ पॉसिबल फ्रॉम वर्किंग फेस राइट अप टू द सरफेस, ठीक है। इसके फाइंडिंग हैज़ हाउएवर द डिसएडवांटेज, सेपरेट अरेंजमेंट हैव टू बी मेड फॉर वाइंडिंग फॉर मैन एंड मिनरल्स। कई बार स्किप में जो होता है सेपरेट अरेंजमेंट करना पड़ता है, माइंस के लिए अलग, मिनरल्स के मैन की ट्रेवलिंग के लिए अलग और मिनरल्स के लिए अलग। टफ सम रीसेंट इंस्टॉलेशन है मॉडिफाइड द स्किप फॉर मैन वाइंडिंग। विथ स्किप वाइंडिंग इट्स डिफिकल्ट टू इम्पोर्ट डर्ट, ठीक है। स्किप वाइंडिंग में क्या डर्ट को इम्पोर्ट करना है ना, डर्ट को अलग करना। डर्ट मीन्स है जो धूल जो रहती है, डस्ट होती है, वो भी मटेरियल के साथ में आती है। केज वाइंडिंग में हम अलग कर लेते हैं, लेकिन स्किप वाइंडिंग में उसी के साथ मिक्स रहती है ना, छोटे बड़े बुलडोजर हैं, बारीक वाले भी, वो सब एक साथ ही आते हैं। वॉशरी रिफ्यूज द मील्स और मील्स ट्रेनिंग फॉर अंडरग्राउंड पैकेज फॉर गोफ इसको डिक्लेरेशन, यानी ये वॉशिंग जब वॉशरी होती है तब फिर ये जाके वहाँ से अलग होते हैं। तो इसमें क्या, डिग्रेडेशन ऑफ मिनरल्स पर्टिकुलरली सॉफ्ट मिनरल्स लाइक कोल टेक प्लेस ड्यूरिंग लोडिंग एंड लोडिंग ऑफ स्किप टू प्रिवेंट कोल डस्ट फ्रॉम एंटरिंग द माइंस। इट इज़ एसेंशियल टू इंस्टॉल स्किप इन यूसी शाफ्ट, ठीक है। यानी जो अपर कास्ट शाफ्ट होता है उसमें इंस्टॉल करना चाहिए डिग्रेडेशन को रोकने के लिए, ठीक है। मिनरल का डिग्रेडेशन मीन्स है कि जो एक इंडस्ट्री के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है, जिस लंप साइज की रिक्वायरमेंट है वो लंप साइज नहीं मिल पाता, छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है, सब टाइप का रहता है। तो इससे थोड़ा सा बचने के लिए ये ज़रूरी है कि यूसी शाफ्ट में हम उसको इंस्टॉल करें स्किप को। वाइंडिंग ऑफ कोल एंड मिनरल फ्रॉम डिफरेंट लेवल इज नॉट एज कन्वीनियंट एज इन केज वाइंडिंग। जैसे केज वाइंडिंग में अलग अलग इन्हें कन्वीनियंट रहता है, ठीक है। डिफरेंट सीम का, क्योंकि इसमें क्या मल्टी लेवल बाइंडिंग हो जाती है, लेकिन इसमें पॉसिबल नहीं है। केज वाइंडिंग मल्टी लेवल हो जाती है, स्किप वाइंडिंग में उतना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक ही उससे रेज करना पड़ता है, एक ही सेम से, ठीक है। द क्वालिटी गेट्स मिक्स अप नेसेसिटिंग द वॉशरी एट द सरफेस। स्किप वाइंडिंग रिक्वायर्स लार्ज एक्सकेवेशन एट द पिट बॉटम टू अकोमोडेट मेजरिंग पॉकेट्स ट्रिपर सेम स्मॉल बंकर टू स्टोर मिनरल्स। ए हायर हेडगियर इज एसेंशियल एंड ए शाफ्ट हैज ऑल्सो बी सन डीपर देन लेवल ऑफ मिनरल बेड्स एज कम्पेयर टू केज वाइंडिंग, ठीक है। हायर हेडगियर इज एसेंशियल, यानी कि हेडगियर का जो साइज है वो बड़ा बनाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि माइंस भी डीपर है। केज ए जो स्किप वाइंडिंग है वो डीप माइंस के लिए होता है, ठीक है। माइंस डीपर बनानी पड़ती है, उस हिसाब से आपको जो हेड गियर है उसको भी, उसकी भी हाइट बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। ओके, तो ये कंपेयर है, इसको अलग अलग भी बताया जा सकता है, ठीक है। अभी ये मिक्स हो गया है, उसमें अभी और भी हम देखेंगे इसमें और क्या क्या आता है, ठीक है। थैंक यू।